राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंदसौर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा ली और साथ ही निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं आफत की इस बारिश से मंदसौर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां नदी नाले उफान पर हैं। लोग अपने काम से लौटकर घर जाने के प्रयास में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालात ये है कि शहर के आसपास का क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है। वहीं कमलनाथ सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिले के बिगड़ते हालातों के मद्देनजर हवाई सर्वेक्षण किया। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बारिश इसी एरिया में हुई है। मंदसौर, झाबुआ, धार तरफ ज्यादा बारिश है। बुंदेलखंड में तो अपेक्षाकृत कम बारिश है। फिर भी जहां जहां बारिश से नुकसान हुआ है, बाढ़ से नुकसान हुआ है, सरकार पूरे तरीके से सजग है और कहीं भी धन जन की हानि हो, पशु हानि हो या मकान वगैरह गिर जाते हैं, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हमारे लिए यहाँ भेजा है और 60 लाख रुपए की राशि अभी तक हम जो जिन जिन को सहायता के रूप में बांट चुके हैं, कहीं जहाँ भी आवश्यकता होगी उसका भी हमने प्रावधान किया है। और जैसे मुझे बताया गया कि मल्हारगढ़ में नहर ही फट गई है, एक तालाब फटा हुआ है, तो तालाब फटने से वो नहर फटने का मुआवजा पहले नहीं मिलता था। ये पहली बार ही मध्य प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया है कि नहर तालाब फटने का मुआवजा भी हम देंगे। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार का नुकसान है वो भी हम देंगे। और हमारा प्राकृतिक आपदा केंद्र बना है भोपाल में, कंट्रोल रूम बना हुआ है। कहीं भी मध्य प्रदेश से कोई भी खबर आती है, धन जन की हानि होती है, बाढ़ आती है, प्राकृतिक कोई भी आपदा आती है, उसके लिए 24 घंटे राजस्व विभाग का आपदा केंद्र खुला हुआ है और कंट्रोल रूम में हम लोग लगातार बैठे हुए हैं। मंत्री राजपूत ने क्षेत्र के हालातों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए और कहा है कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, तेजी से हर बाढ़ पीड़ित को सरकारी मदद पहुंचाई जाए। वहीं सर्वेक्षण के मंत्री राजपूत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा भी ली। इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का तेज तर्रार अंदाज नजर आया, साथ ही चेहरे पर बाढ़ पीड़ितों की चिंता भी साफ देखी जा सकती थी। ऐसे मामलों में हम सब जनता के साथ रहें। जो अपेक्षा और उम्मीद जनता नेताओं से करती है, सरकार से करती है, उससे ज्यादा अपेक्षा पत्रकार जगत से करती है। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्राकृतिक आपदा राजस्व विभाग में आती है तो राजस्व मंत्री के नाते उन्होंने मुझे भेजा है। मैंने बहुत सारे लोकल लोगों से मिला, हवाई सर्वे भी किया और अभी मैं गाड़ी से कार द्वारा बांसखेड़ी जा रहा हूँ। बताया गया बांसखेड़ी में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। यहाँ के विधायक भी वहाँ पहुंचे हैं, हम सारे अधिकारी साथ वहाँ पहुंच रहे हैं। अभी तक हम लोग राहत राशियों में जो जिन व्यक्तियों को राहत दी गई, राहत शिविर लगाए, करीब 400 लोगों के राहत शिविर लगाए गए। 60,14,000 रुपया तात्कालिक रूप से अभी सरकार ने मुआवजे के रूप में लोगों को दिए। मकान क्षतिग्रस्त 313 हुए हैं और जिनमें जल भर गया था 17 है। वहीं मंत्री राजपूत ने सीएम कमलनाथ के निर्देशानुसार संभाग एवं जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा कर राहत एवं बचाव कार्यों में रफ्तार लाने पर जोर दिया।
आपको बता दें कि कलेक्टर मनोज पुष्प ने भारी बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों में 10 अगस्त को शासकीय अवकाश घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, मंदसौर।